अब अपने देखेंगे इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट अर्थात इंटरकनेक्शन और नेटवर्क, इन दो शब्दों से इंटरनेट शब्द बना है। इंटर अर्थात अंतर और नेट अर्थात जाल, इंटरनेट अर्थात अंतर जाल। इंटरनेट विश्व का सबसे विशाल कंप्यूटर संचालित सिस्टम है, जिसमें द नेट, इंफॉर्मेशन, सुपर हाईवे, साइबर स्पेस इत्यादि क्या हैं उसके नाम दिए गए हैं, जहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे से परस्पर जुड़े होते हैं। और ऐसे दो या दो से अधिक कंप्यूटर के मध्य की संधि की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर के नेटवर्क का नेटवर्क अर्थात इंटरनेट। अब देखेंगे हम कंप्यूटर नेटवर्क के कितने प्रकार हैं। मुख्य रूप से चार प्रकार हैं, जिसमें पहला है लैन लोकल एरिया नेटवर्क, अर्थात एक निश्चित स्थान के कंप्यूटर एक दूसरे के साथ वायर अथवा वायर के बिना एक दूसरे के साथ जुड़े हों। जैसे कि हमारे कंप्यूटर लैब में क्या होते हैं कंप्यूटर, कितने ढेर सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं एक ही रूम के अंदर। दूसरा है कैन कैंपस एरिया नेटवर्क, अर्थात एक कैंपस के अथवा एक बिल्डिंग के कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े हों। तीसरा है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, अर्थात किसी शहर के सभी कंप्यूटर एक दूसरे के साथ क्या हों, जुड़े होते हों, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैन के नेटवर्क के रूप में के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं करते हैं। चौथा है वैन वाइड एरिया नेटवर्क, अर्थात कोई भी भौतिक सीमा ना हो, इस प्रकार से वैश्विक रूप से कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। इस तरह के अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, इंटरनेट कहते हैं, जिसमें कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है, कोई एक राज्य तक नहीं, कोई एक देश तक नहीं, अर्थात पूरे विश्व के कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जिसमें हम जैसे कि हम घर पर बैठे आराम से किसी भी बारे में किसी भी चीज़ वस्तु के बारे में आसानी से क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाके हम उसको क्या कर सकते हैं, सर्च करके उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किस नेटवर्क की सहायता से, वाइड एरिया नेटवर्क की सहायता से। अब इसके भी कुछ मुख्य दो प्रकार हैं, जिसमें है तुम्हारा पहला इंटरप्राइज वैन, एक ही बड़ी संस्था का विशाल रूप से प्रसारित नेटवर्क कंप्यूटर का क्या है, ये नेटवर्क है। इस नेटवर्क की रचना संस्था के द्वारा की जाती है अथवा संस्था के लिए की जाती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देखें तो भारतीय रेलवे का जो ऐप है, हम अपने कंप्यूटर पर हम अपने मोबाइल पे क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं और भारतीय रेलवे की किसी भी ट्रेन के बारे में जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा है ग्लोबल वैन, यह विशाल नेटवर्क है, इस नेटवर्क की कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, यह अलग अलग संस्थाओं के नेटवर्क का क्या है, एक सामूहिक नेटवर्क है, जो WWW वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, जहाँ पर हम किसी भी चीज़ वस्तु के बारे में क्या कर सकते हैं, उसके ऐप पर को डाउनलोड करके उसके बारे में क्या कर सकते हैं, आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम इंटरनेट द्वारा शब्द, चित्र, दृश्य अर्थात देखना, श्राव्य अर्थात सुनना, दृश्य श्राव्य और अंक इत्यादि स्वरूप में जानकारी का क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान अथवा लेन देन कर सकते हैं। अब इंटरनेट के मुख्य कितने कार्य हैं, तीन, अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क, हम इसकी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, किसकी सहायता से, भाई आजकल होम लर्निंग प्रोग्राम चल रहा है, बराबर घर बैठ के शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो किसकी सहायता से, इंटरनेट की सहायता से। तो एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को क्या दी जा रही है, जानकारी दी जा रही है। इसी तरह से दूसरा है जानकारी की प्राप्ति, के इंटरनेट द्वारा संपूर्ण विश्व के कंप्यूटर का नेटवर्क के द्वारा जोड़ा जाता है और किसी भी क्षेत्र भी या किसी भी विषय की जानकारी हम सरलता से और शीघ्रता से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है अन्य कंप्यूटर सिस्टम के साथ संधि, यहाँ पर इंटरनेट के प्रसार माध्यम का उपयोग करके अन्य कंप्यूटर सिस्टम के साथ क्या किया जाता है, उसे सीधा जोड़ा जाता है। जैसे कि बैंकिंग सुविधाएं ऑनलाइन प्राप्त हुई हैं, रेलवे का टिकट किसी भी स्थान की टिकट आसानी से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह से गुजरात माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड द्वारा ली जाने वाली ऑनलाइन परीक्षाएँ, ये किसकी सहायता से, इंटरनेट की सहायता से ही हम इसकी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इंटरनेट द्वारा किसी भी सूचना को खोजना या ढूंढना, वो तो तुम लोग को आसानी से आज के समय को देखते आता ही होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्राउजर का चुनाव करेंगे, जिस तरह से तुमको यहाँ पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है, आप लोग देख रहे हो। दूसरा आएगा सर्च इंजन का चुनाव, सर्च इंजन हम किस पर जानकारी प्राप्त करेंगे, गूगल पर। इस प्रकार का क्या दिया होता है, एक कोष्टक आता है, उस कोष्टक में हमें जिस विषय की जानकारी प्राप्त करनी है उसका हम नाम क्या करते हैं, यहाँ पर टाइप करते हैं।
यहाँ पर टाइप करेंगे तो उसके बारे में जानकारी हमें आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। जैसे कि वेबसाइट पसंद करना, जैसे कि हमने गूगल के इस कोष्टक में क्या लिखा, लायन लिखा, तो यहाँ पर पूरे डेस्कटॉप पे क्या आ गया, लाइन के बारे में हमें अलग अलग जानकारी आ गई है और यहाँ पे अलग अलग हमें क्या मिले हैं, पिक्चर्स देखने को मिले हैं। तो ये क्या हुआ कि भाई आपने सर्च इंजन का चुनाव किया, गूगल पे जाके हमने जिस विषय में हमें जानकारी प्राप्त करनी है उस विषय को, उस चीज़ को हम टॉपिक को यहाँ पर टाइप करते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। अब आगे की वीडियो में अपने किसके बारे में, ई कॉमर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।